नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नोटबंदी पर संसद में हंगामा। 1000 और 500 के नोट बंद करने के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने संसद में जमकर हंगामा किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में ही विरोध प्रदर्शन कर फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के मौके पर जीएसटी विधेयक सहित तमाम मुद्दों पर बहस में सहयोग की अपील की और कहा कि सरकार हर विषय पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में मीडिया के समक्ष अपने वक्तव्य में उम्मीद जताई कि मौजूदा सत्र में चर्चा के लिए लाए जाने वाले सभी मुद्दों पर राजनीतिक दल सरकार को पूरा सहयोग देंगे। बड़े नोटों को प्रचलन से हटाए जाने की प्रक्रिया की कड़ी आलोचना करते हुए विपक्ष ने सरकार पर आर्थिक अराजकता की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा इस पूरे मामले में घपला किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नोटबंदी के मामले पर विपक्ष के राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक घोषणा से पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कालाबाजारी और काले धन पर टिकी हुई है। इसके साथ ही इससे देश के सभी नागरिक भी कलंकित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गृहिणियों, किसानों, मजदूरों और वेतनभोगियों की मेहनत की कमाई को अवैध एवं कालाधन बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि घोटाले वाले कतार में लगकर नोट बदल रहे हैं। शर्मा ने कहा कि मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों का प्रचलन बंद करने के अपने फैसले पर गोवा की जनसभा में कहा है कि कुछ लोग उन्हें जान से मार सकते हैं। वह देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर कोई प्रधानमंत्री को मारना चाहता है तो पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है, लेकिन यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि कौन उन्हें मारना चाहता है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि सदन में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, यह पूरे देश से संबंधित है और प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सुश्री मायावती का समर्थन करते हुए कहा कि लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री को सदन में मौजूद होना चाहिए। समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता राम गोपाल यादव ने पार्टी का नेतृत्व करते हुए नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने नोटबंदी के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर स्थिति सामान्य करने में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बनर्जी ने राजग सरकार में शामिल शिवसेना तथा आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करके मोदी सरकार की ओर से किए गए इस फैसले को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे देश में आर्थिक आपातकाल और संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सागर में तैनात सेना के जवान ने गोली मारकर की आत्महत्या। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी बना रहा है 90 सीटर स्वदेशी विमान, 6 साल में होगा तैयार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एम्स में भर्ती, गुर्दे खराब, डायलिसिस पर। भाजपा ने कहा नोटबंदी पर कांग्रेस और आप जनता को कर रही है भ्रमित। प्रेस काउंसिल एक स्वतंत्र व्यवस्था, प्रेस काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।